एक तरफ वैज्ञानिक चांद पर जीवन की तलाश में जुटे हुए, दूसरी तरफ एलियन के होने के संकेत भी लोग ढूंढ रहे हैं। एलियन को लेकर दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज अपने अपने दावे कर चुकी हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस हैं, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियंस जैसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर एलियन होते तो उनके बारे में अब तक पता चल गया। लेकिन इस बार एलियंस के होने की संभावनाओं के बारे में जापान ने बहुत बड़ी जानकारी दी, और आज आपको यह खबर बताने की वजह है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही एलियन की बात कर रहे हैं, आज की ये 22 अगस्त की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। जापान के दो प्रोफेसर मसाकी मोरिमोटो और हिसाशी हिराबायशी, उन्होंने आज से 40 साल पहले 15 अगस्त 1983 में अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स भेजे थे। 1983 अगस्त का महीना, 15 अगस्त, रेडियो सिग्नल्स को लगातार एक सीरीज में भेजा गया। इसके लिए अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हाई पावर एंटीना का इस्तेमाल किया गया। यह सिग्नल पृथ्वी से 16.7 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला नाम के तारामंडल में भेजा गया, जहां ऑल्टेयर नाम का तारा है। जिस तरह सूर्य को एक तारा कहा जाता है और जिसके चारों तरफ पृथ्वी की तरह कई ग्रह घूमते हैं, उसी तरह ऑल्टेयर के चारों तरफ कई ग्रह घूमते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल की तरह अंतरिक्ष में कई और सौरमंडल हैं, इनमें ऑल्टेयर नाम के सौरमंडल में जीवन हो सकता है, इसलिए 40 साल पहले सिग्नल भेजा गया। जैसे वो ऋतिक रोशन के फिल्म में नहीं भेजा था पों 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 पों, उससे बहुत एडवांस, लेकिन वो तो फिल्म थी, वैसा ही कुछ भेजे उधर कि देखें एलियंस उनके कुछ भेजता है कि नहीं। इन डिजिटल सिग्नल्स के जरिए जापान के वैज्ञानिकों ने एक मैसेज संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि हेलो इज एनीबडी देयर, यानी कि हेलो कोई है वहां पे, जैसे आवाज नहीं लगा था कि कोई है, उस टाइप से उन्होंने सिग्नल भेजा। लेकिन इसे किसी भाषा में लिखकर नहीं भेजा, फिर कैसे भेजा वो अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मैसेज भेजे थे जिनमें कुछ पेंटिंग्स या आकृति उभर कर आती। दरअसल एलियन किस भाषा को समझते हैं इसके बारे में कोई पता तो है नहीं, अगर एलियन है तो किस भाषा को समझते हैं किसी को पता नहीं, इसलिए सिग्नल के जरिए ऐसी पेंटिंग्स तैयार की गई ताकि दूसरी दुनिया का अगर कोई है, एलियन अगर है, तो कुछ तो समझ सके, उस पर कुछ तो रिप्लाई कर सके। इन पेंटिंग्स में इंसान की उत्पत्ति की पूरी यात्रा बताई गई, ताकि अगर कोई समझ रहा है तो समझ पाए कि ओ अच्छा अच्छा ऐसे ये लोग भेज रहे हैं। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जापान के वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरी दुनिया से एलियंस के रेडियो सिग्नल का जवाब आ सकता है। इसके लिए जापान के योगो यूनिवर्सिटी में 64 मीटर रेडियस का एक बहुत बड़ा एंटीना लगाया गया, इसे आसान भाषा में रिसीवर आप कह सकते हैं। अब आप कहेंगे यह खबर आपको आज ही क्यों बता रहा हूं, इसकी भी वजह है, क्योंकि ये जो रिसीवर लगाकर ये लोग मैसेज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज ही कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आज ही मैसेज आएगा। जापान के प्रोफेसर में से मसाकी मोरिमोटो अब इस दुनिया में नहीं, उनका 2010 में निधन हो गया, लेकिन उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से यही वो समय है जब एलियन पृथ्वी पर सिग्नल भेज सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहां चंद्रयान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की, और सोच रहे हैं कि चांद पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। जापान के लोग वहां सुन रहे हैं कि एलियन मैसेज भेज रहा है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष को आसान भाषा में समझा देता हूं, ताकि आपको यह पता चले कि जापान के वैज्ञानिकों ने 40 साल पहले कितनी दूर सिग्नल भेजे थे। दरअसल तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि वो किलोमीटर के बजाय लाइट ईयर में मापी जाती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो लाइट है वो 3,00,000 किलोमीटर जाती है। यही लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर। अब आप सोचिए एक मिनट में 3,00,000 किलोमीटर इंटू 60 हो गया, फिर ऐसा करते करते एक साल में सोचिए कितना करोड़ों लाख किलोमीटर होगा। उसको एक साल में जितना लाइट दूरी तय करती है उसको लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर इस हिसाब से 16.7 प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में काउंट कीजिएगा तो 158,00,000 किलोमीटर की दूरी बैठती, इतना दूर सिग्नल भेजे थे ये लोग जापानी 1983। 40 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने सिग्नल भेजे थे उनसे जो तस्वीर तैयार हुई थी, अब उसके बारे में बताता हूं। इसमें धरती पर इंसानों का विकास कैसे हुआ यह बताया गया था। आपने ये सारी बातें स्कूल में बायोलॉजी के चैप्टर में जरूर पढ़ी हों, यही चीजें जो हैं वो वहां पर दिखाई गई थी। जरा ये तस्वीर दिखाइए कि एलियन को ये लोग क्या फोटो भेजे थे, कि कहीं देखेगा तो कुछ तो समझेगा। जैसे ये देखिए,
ये जो दिखाया गया है फोटो, ये जीव का डीएनए ये लोग बना के सिग्नल के जरिए भेजे। जूम करो ना यार, यहां दिखाओ, ये देखिए जीव का डीएनए। इसके बाद आप देखिए ये अमीबा की फोटो बना के भेजे, एलियन देखेगा तो समझेगा अच्छा कुछ अमीबा है। जेलीफिश इसको भी बना के भेजे कि देखो कहां से हम अमीबा से फिर जेलीफिश की बात हुई, फिर फिश की बात हुई कि देखो ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़े हैं, एम्फेबियन जीव बने, फिर रेप्टाइल की तस्वीर भेजी, वन मानुष की तस्वीर भेजी, फिर दिखाया कि देखो इससे हम लोग जो है इंसान बन गए, हमने बच्चे बच्चे पैदा किए, फिर मनुष्य का शरीर बन गया, अब हम लोग थोड़ा हैंडसम दिख रहे हैं, और ये तस्वीर हमारी भेजी कि भाई कैसे देखो हम लोग आगे बढ़े हैं, ये सब समझ लो। तो अगर वहां भी एलियन कोई होगा बायोलॉजी पढ़ता हो तो कहेगा अरे ये तो हमारा ही सिलेबस है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी पता ही नहीं एलियन है कि नहीं है, पर प्रयास कर रहे हैं कि पता लगे कि क्या स्थिति। एलियंस को लेकर अब तक की जानकारी में यह पता चला कि वो इंसानों की तुलना में बहुत स्मार्ट और एडवांस होते हैं। अब जिसको जिसको लग रहा है कि एलियन होता है वो लोग ये दावा कर रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि एलियंस के पास इंसानों के बारे में ज्यादा जानकारी है, जबकि इंसानों के पास उतनी जानकारी नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस बात की बहस होती रही है कि एलियन है या नहीं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर एलियन के अस्तित्व को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने से जुड़ी कई घटनाएं सामने आती रही। साल 2010 का न्यूयॉर्क का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आसमान में अजीब तरह की आकृति वाली कुछ चीजें उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये थोड़ी देर दिखने के बाद आसमान में गायब हो गए। तब इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि ये कहीं यूएफओ तो नहीं है, कोई दूसरी दुनिया से आई हुई चीज तो नहीं। एक और वीडियो देखिए, 2020 में अमेरिका के एक नेवी पायलट ने अपने फाइटर जेट से इस वीडियो को बनाया था। इसमें भी यूएफओ जैसी आकृति कुछ नजर आ रही है। इस वीडियो को अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने जारी किया था। लेकिन किसी को पता नहीं कि ये यूएफओ है कि नहीं, एलियन है कि नहीं। अमेरिका में एलियन और यूएफओ का मामला वहां की संसद में भी उठ चुका है। पिछले महीने जुलाई में अमेरिकी कांग्रेस की एक ओवरसाइट समिति ने यूएफओ पर सुनवाई रखी हुई। इसमें बाइडेन सरकार पर दबाव डालने के लिए कई सांसदों ने सरकार से एलियन और यूएफओ को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए कहा। इस सुनवाई के दौरान अमेरिका के पूर्व नौसेना पायलट रियान ग्रेव्स ने कहा कि अगर यूएफओ विदेशी ड्रोन है तो यह तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, अगर ये कुछ और है तो अमेरिका के आसमान में पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। दरअसल हवा में उड़ने वाली किसी भी अज्ञात चीज को अमेरिका की सरकार यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहती है। पिछले कुछ सालों में दिखे यूएपी पर सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुछ यूएपी या यूएफओ को सरकार अभी तक समझ नहीं पाई। इस सुनवाई के दौरान अमेरिकन एयरफोर्स के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने आरोप लगाया कि सरकार ने यूएपी देखे जाने के मामले से जुड़े अपने रिसर्च को छिपाया है। अमेरिकन सरकार को कुछ यूएपी भी मिले हैं जिसकी डिटेल में रिवर्स इंजीनियरिंग यानी गहराई से पता किया जा रहा है। इस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि सरकार के पास कुछ एलियन या कुछ ऐसी अज्ञात चीजों के अलावा इन विमानों से कथित तौर पर बरामद जीव यानी एलियन के अवशेष भी हैं, यह दावा कर चुका है। हालांकि पेंटागन ने सभी आरोपों से इनकार किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो एलियन और यूएफओ को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उनको माना भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं। ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन भी नहीं है, लेकिन सच्चाई है या नहीं ये भी किसी को पता नहीं। अब देखते हैं कि जापान के वैज्ञानिकों को एलियन से संपर्क उनका होता है या नहीं, क्योंकि वहां पर जो लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है वो आज की तारीख में वो मनाया जा रहा है, और इसीलिए 22 अगस्त को इनको लगता है कि वहां से एलियन जो है वो संदेश भेजेंगे, और जो बड़ा वाला इन्होंने रिसीवर लगाया है उसमें कुछ तो मैसेज आएगा कि हाय जापान मैं आ रहा हूं। बोल रहा हूं लेकिन होगा क्या पता।